हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम, सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाने का काम किया, उसके बाद रंगोली बना दिया है, उसके बाद जस्ट मैं आ गई हूँ किचन में भी बहुत सारे काम पड़े हैं, तो लग गई मैं नाश्ता बनाने और खाना बनाने। तो अभी बना रही हूँ मैं आलू बरबटी की सब्ज़ी। तो उसके लिए टमाटर प्याज वगैरह कट करके रख देती हूँ, उसके बाद रोटी अभी बनानी बची है। तो अभी बना रही हूँ सब्ज़ी और एक तरफ चावल पका रही हूँ, क्योंकि चावल पकाने में भी थोड़ा समय लग जाएगा, उसके बाद रोटी अभी बना लूँगी। तो बेटी का स्कूल रहता है तो सुबह सुबह गैस पर ही नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद चूल्हे में भी खाना बनाती हूँ, खाना नाश्ता वगैरह। तो सुबह सुबह क्योंकि स्कूल जाती तो इसमें चूल्हे में लेट हो जाता है, तो इसमें नहीं बना पाती, तो गैस में बनाती हूँ नाश्ता। उसके बाद जो मिट्टी का चूल्हा है वहीं पे खाना बनाती हूँ, तो उसमें भी बहुत समय लग जाता है। तो मैं नाश्ता बनाने के लिए आटा तैयार कर लेती हूँ। तो रात का चावल बचा था तो उसमें मैं थोड़ा सा चावल आटा और थोड़ा सा गेहूँ आटा मिला के आटा तैयार कर लिया है, आटा गूँथ लिया है अच्छे से। तो उसका मैं मोटा रोटी बना दूंगी आज, और छोटा बेबी के लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा गूँथ रही पतला रोटी बनाने के लिए, क्योंकि उसको जो चावल आटे का ज़्यादा रोटी नहीं खिलाती, अभी छोटी है तो उसके लिए पतला रोटी ही खिलाती हूँ। तो आज है नवरात्रि का अंतिम दिन, नवमी का दिन, और गाँव में नवमी के दिन ही माता विसर्जन करते हैं और जमारा विसर्जन भी होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। गांव में कोई भी त्यौहार हो बहुत अच्छे से मनाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, वातावरण बहुत अच्छा रहता है, सब मिलजुल कर यहाँ मनाते हैं। कई लोग तो शहर से गांव आते हैं अपना त्यौहार मनाने के लिए, सब पूरी फैमिली मिलकर त्यौहार मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग गाँव में ही त्यौहार मनाना पसंद करते हैं। तो अभी गैस पे तवा रख दिया गर्म होने के लिए, और जो आटा गूँथ के रखी थी उसमें मैं बना रही हूँ मोटा रोटी, जो चावल आटे का बनता है, वो जो चावल बचा था रात का उसमें थोड़ा सा आटा मिला के आटा तैयार कर लिया है। तो ये मोटा रोटी बेलने से तो टूट जाता है, हाथ से ही बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोटा रोटी तैयार हो गया है, अच्छे से पक गया है। इसमें तेल या घी भी लगा सकते हैं तो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो अभी रोटी बनाने के साथ साथ हमारा सब्जी भी, आलू बरबटी की सब्जी भी तैयार है, अभी भुजिया बनाई हूँ। और ये है जो मिट्टी का चूल्हा बनाया है घर में, तो इसमें ही खाना बनाऊँगी, अभी अच्छे से सूखा नहीं था तो अंदर में जो चूल्हा रखे हैं उसमें बनाती हूँ खाना भी। और इधर देखिए बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो आज विसर्जन हो रहा है, जमारा विसर्जन और माता विसर्जन, तो उसके लिए हम लोग तैयार हो गए देखने के लिए। तो घर के पास ही ये तालाब है, नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे शिवलिंग बना है, शिव मंदिर है, जस्ट तालाब के पास ही लगा है, इतना बड़ा है तालाब। तो अभी है शाम का टाइम, तो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आप तालाब का पानी कितना स्वच्छ लग रहा है और शांत, देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आ गए हम लोग तालाब के पास, तालाब किनारे में जो विसर्जन हो रहा है उसको देखने। तो आज ही जमारा विसर्जन भी होता है और दुर्गा माँ विसर्जन भी होगा, तो वही देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है, बहुत लोग आ गए उधर तालाब के किनारे में। तो अभी आ गए हम लोग तालाब के किनारे में माता विसर्जन और जमारा विसर्जन देखने के लिए। बच्चे लोग भी बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन उन लोग कैमरे के सामने नहीं आते। तो आप सभी देखिए हमारे गांव का तालाब है, और ये बड़ा सा पेड़ है जो आम का पेड़ है, जो बहुत पुराना है, और आप देखिए कितना बड़ा है तालाब हमारे गांव का, जो घर के पास में ही है तालाब। और ये सामने में शीतला मंदिर है और शिव मंदिर भी है पास में ही, तालाब के पास में ही। तो अभी झांकी रैली निकली हुई है, तो बहुत भीड़ है उधर, गांव के लोग सब देखने गए हैं, और इधर माता विसर्जन के लिए और ये जमारा विसर्जन के लिए इधर आ गए हैं,
और शीतला मंदिर के चारों तरफ पहले परिक्रमा करेंगे, उसके बाद जमारा विसर्जन भी होगा। तो आप देखिए ये सब जमारा बड़ों से लेके बच्चों तक भी जमारा सर पे लिए हुए हैं, तभी परिक्रमा कर रहे हैं शीतला मंदिर के चारों तरफ, उसके बाद तालाब में लाएंगे विसर्जन के लिए। तो अभी माता रानी को ले आए हैं तालाब में माता रानी विसर्जन के लिए। बहुत भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं गांव में कितनी भीड़ होती है देखने के लिए यहाँ पे। तो 9 दिनों तक माता रानी विराजमान होती तो कितना अच्छा लगता है, गांव भरा भरा रहता है, मेला जैसे माहौल रहता है, और विदाई के समय विसर्जन के समय सब लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएँ पूरी करे, आप सभी स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, बस यही कामना है मेरी माता रानी से। तो आज की वीडियो में यही तक एंड करती हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।